सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति और ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ विशेष स्थितियों पे चर्चा कर ली थी और इस लेक्चर में हम लोग और भी कुछ अलग अलग स्थितियों पर नज़र डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और पढ़ते हैं डोरी से जुड़े हुए वस्तुओं की गति के बारे में। यह है हमारा अगला एक स्थिति। इसको पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे मामला क्या है। हमारे पास दो वस्तुएं हैं M1 और M2 द्रव्यमान की। ये पहली वस्तु M1 द्रव्यमान की और ये दूसरी वस्तु M2 द्रव्यमान की। और देखिए यहाँ से यहाँ तक एक डोरी से इसे लटकाया गया है, पहले द्रव्यमान की वस्तु को, और फिर हमने एक दूसरी डोरी से दूसरे द्रव्यमान की वस्तु को लटकाया है पहले द्रव्यमान की वस्तु से। तो ये चित्र अपने आप में अपनी कहानी बयां कर रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पर किया गया है कि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, हमने एक बाह्य बल लगाया है M2 के ऊपर। यानी कि M1 द्रव्यमान की वस्तु लटक रही है, उससे हमने M2 द्रव्यमान की वस्तु को लटका दिया है और फिर हम M2 द्रव्यमान की वस्तु को पकड़ के नीचे खींच रहे हैं और हम बल लगा रहे हैं F। और जब आप यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आंकी प्रश्न हल करेंगे, तो यहाँ पे F का मान कुछ भी हो सकता है, M1 M2 का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बस उसको समझेंगे और न्यूमेरिकल में बस आपको उसका मान रखना होगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे मुक्त पिंड आरेख यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम से। पहले आप M2 द्रव्यमान की वस्तु को ले लीजिए। तो ये रहा हमारे पास M2 द्रव्यमान की वस्तु और चलिए देखते हैं कि M2 द्रव्यमान की वस्तु पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। पहला तो देखिए बच्चे, इसका भार लग रहा होगा नीचे की ओर, ये लग रहा है भार M2G नीचे की ओर, जो कि F नहीं है। F तो हमारे द्वारा लगाया गया बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है। M2G तो उसका भार है जो कि हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा। तो यहाँ पे एक बाह्य बल जो हमने लगाया है वो भी लगेगा इधर की ओर। इसको आप चलिए F दिया गया है सवाल में, तो आपने इसको F ले लिया है। और एक और बल है तनाव, टेंशन T2, जो कि ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये हमने लिया T2 जो कि ऊपर की ओर है। और चलिए आप इसके लिए हम लोग एक समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए बच्चे, जितना बल ऊपर की ओर लग रहा है उतना बल नीचे की ओर भी लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गति नहीं है। आपका जो सिस्टम है, आपका जो निकाय है, वो इक्विलिब्रियम में है यानी कि साम्यावस्था में है। तो जितना बल ऊपर लग रहा होगा किसी भी पिंड पर, उतना बल नीचे भी लग रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस M2 द्रव्यमान की वस्तु पर T2 तनाव, जो कि एक बल ही है, टेंशन भी एक फोर्स ही होता है जो कि ऊपर की ओर लग रहा है। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा M2G जो कि उसका भार है, प्लस कैपिटल F जो कि नीचे की ओर लग रहा है। तो T2 इक्वल टू M2G प्लस F। एक्चुअली में हम मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के ABCD को सीख रहे हैं और उसमें फ्री बॉडी डायग्राम और ऐसे समीकरण बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर आप समीकरण बनाना सीख जाते हैं, इक्वेशन बनाना समझ जाते हैं, फिर मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है। तो हमने पहले बात की है M2 द्रव्यमान की वस्तु की और उसके भार ऑब्वियस ही बात है नीचे ही लगेगा। किसी भी पिंड का भार हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, M2G नीचे लग रहा है। और ये जो F है वो तो हमने लगाया है बाहर से बल, ये भी नीचे की ओर ही लगाया है। हो सकता है आप ऊपर की ओर लगा रहे हो, तो इसको ऊपर की ओर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में बल नीचे की ओर ही लगाया जा रहा है। और ये तनाव है जो कि ऊपर की ओर है, टेंशन ऊपर की ओर। चलिए, तो T2 बराबर हो गया M2G प्लस F। देखिए, जो इस डोरी का तनाव है, इन दोनों बलों के योग के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बल ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो रस्सी है, आपका जो डोरी है, आपका जो स्ट्रिंग है, वो टूट जाएगा। तो क्योंकि सब यहाँ पर साम्यावस्था में है, यानी कि जितना बल ऊपर लग रहा है उतना बल नीचे भी लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1 का। और अब हम आ जाते हैं पहले द्रव्यमान की वस्तु पर, यानी कि जो मास M1 है उसकी बात करिए। चलिए, तो ये रहा मास M1। और अब बताइए इस पे कितने कितने बल लग रहे हैं,
या कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो पहली बात तो ये बच्चे की जो तनाव है ऊपर की ओर लग रहा है। और एक चीज़ और आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि यहाँ का तनाव यहाँ के तनाव के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ का जो तनाव है ये T2 है, यानी कि अलग तनाव है, और यहाँ से यहाँ का जो तनाव होगा वो अलग तनाव होगा। क्योंकि अगर आप इस पोर्शन की बात करेंगे तो इस पोर्शन को बैलेंस कर रहा है केवल इतना बल, यानी डोरी का ये जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ में जो तनाव उत्पन्न होगा वो इन बलों को संतुलित करेगा। लेकिन जब आप बात करेंगे इस T1 की, यानी M1 से ऊपर की बात करेंगे, तो ये तो पूरे इतने को संतुलित कर रहा है ना, पूरे को संभाल के रखा है। यानी कि जब हम M1 की बात करेंगे तो इसके ऊपर का तनाव कुछ और होगा, और जब हम M2 की बात करेंगे तो यहाँ का तनाव कुछ और होगा। क्लियर है ये? तो चलिए, M1 पे एक तो तनाव लग गया T1 ऊपर की ओर, और इसका भी भार तो नीचे की ओर ही लगेगा, M1G लग रहा है नीचे की ओर। और अब आपको लग रहा होगा यार T2 को ऊपर की ओर लगा देता हूँ, ये गलती मत करिएगा। जब आप बात करेंगे M1 की, तो देखिए M1 और M2 के बीच में जो रस्सी है तो संतुलित है ना, ये जो तनाव है संतुलित है। तो जितने से ये इसको ऊपर खींच रहा होगा उतने से नीचे खींच रहा होगा, तो ये टेंशन कैंसिल हो जाता है, ये तनाव कैंसिल हो जाएगा। इस तनाव की बात ही नहीं करेंगे आप बात करेंगे M2 की। क्योंकि देखिए ये वाला जो भार है वो भी तो इसी से लटक रहा है, यानी ये भी नीचे ही लग रहा है M2G, और ये जो आपने बाह्य बल लगाया है वो भी तो उस पर ही लग रहा होगा, यानी F भी लग रहा है नीचे की ओर। M1 की बात करेंगे तो M1 का भार नीचे की ओर लगेगा, ऑब्वियसली बात है M1 का भार नीचे की ओर लग गया, और M2 भी तो उसी से लगा हुआ ना, चिपका हुआ समझ लीजिए, तो M2 का भार भी लगेगा उसके ऊपर, और ये जो बाह्य बल लगाएंगे वो भी लगेगा उसके ऊपर। यानी M1 के लिए T1 तनाव ऊपर लग रहा है, और M1 का भार साथ में ही M2 का भार, और साथ में ये जो बाह्य बल आपने लगाया है वो सभी लग रहे हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पर समीकरण बन जाएगा T1 बराबर M1 और M2, यहाँ से G कॉमन निकाल लीजिए, G प्लस F, और ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 2। और इन दोनों को हल करके आप T1 और T2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, और यही तो आपको ज्ञात करना है कि यहाँ का तनाव कितना है या यहाँ का तनाव कितना है। और F का मान दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया होगा तो इसका भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है ये? तो ऐसे आपको ऐसे वाले केस में आपको ऐसे समीकरण बनाने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देख लीजिए, जब आप M2 की बात करेंगे तो M2 पे लगने वाले बल कौन कौन से हैं, एक M2 का भार M2G नीचे की ओर, साथ में ये जो बाह्य बल आपने लगाया है वो भी नीचे की ओर, तनाव ऊपर की ओर। लेकिन जब आप M1 की बात करेंगे तो तनाव तो ऊपर लग रहा है, साथ में इसका भार और ये लगाया गया बल सब ट्रांसफर हो जाएगा ना। क्लियर है ये? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस स्थिति में आपको कैसे करना है। पहले मैं बता दूं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, जिन्हें कि एक डोरी से बांध दिया गया है। और अब हम क्या कर रहे हैं, M2 द्रव्यमान पर एक बल लगा रहे हैं F। M2 द्रव्यमान पर हम एक बल लगाएंगे F, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हमको तनाव का मान ज्ञात करना हो सकता है, और याद रखिएगा यहाँ पर पिंड जो है खिसकेंगे भी, यानी कि यहाँ पर त्वरण भी उत्पन्न होगा, यानी कि हमको टेंशन निकालना होगा और हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा, यानी कि हमको तनाव और त्वरण दोनों ही ज्ञात करना होगा। तो चलिए हमारा जो मुख्य औजार है मुक्त पिंड आरेख, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, उसको बनाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं M2 की। तो चलिए M2 के लिए मुक्त पिंड आरेख बना लें। देखिए M2 पे एक बल लग रहा है जो कि हमने लगाया है, हम उसको खींच रहे हैं, इसको नाम दे दिया है कैपिटल F का। अब इसका आंकिक मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू वहाँ पर गिवन हो सकता है, तो ये कैपिटल F हो गया। और देखिए यहाँ पे गति कैसे होगी, क्षैतिज प्लेन यानी क्षैतिज समतल में गति होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन होगा। तो देखो बच्चे, जब आप बात करोगे ऐसे कनेक्टेड बॉडीज की तो याद रखिएगा सबका एक्सीलरेशन सेम होगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण से आगे बढ़ेगा।
पूरे निकाय की बात करेंगे हम लोग। अभी आपके निकाय में, आपके सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है M1, एक है M2, बीच में एक डोरी बांध दिया है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक निकाय है। और जब आप बाह्य बल लगा के उसको मूव कर रहे हैं, खिसका रहे हैं या खींच रहे हैं या फिर ढकेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, पूरे निकाय का त्वरण एक ही होगा। और इसका मतलब ये भी है कि जो त्वरण M2 का है वही त्वरण M1 का भी होगा। दोनों पिंडों का त्वरण एक ही होगा, दोनों पिंडों का त्वरण समान होगा, जितना कि त्वरण पूरे निकाय का है। चलिए मान लीजिए आप एक ट्रेन में हैं, एक ट्रेन में मान लीजिए ट्रेन का त्वरण कुछ 2 m/s² है, तो अब उस ट्रेन में जितने भी यात्रीगण होंगे उन सभी का त्वरण कितना होगा, 2 m/s² ही होगा। तो वैसे यहाँ भी है। तो अब हम M2 के मुक्त पिंड आरेख की बात करते हैं, तो एक बल तो लग रहा है उधर, लेकिन आप यहाँ पर तनाव की बात करेंगे तो तनाव तो विपरीत दिशा में लग रहा है ना। ये जो पीछे वाला है इसको खींच रहा है, यानी टेंशन चला जाएगा इधर। तो एक बल लग रहा है कैपिटल F जो हमने लगाया है, एक तनाव T जो कि पीछे की ओर लग रहा है। तो नेट बल कितना लगेगा, परिणामी बल कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा F माइनस कैपिटल T। और F माइनस कैपिटल T क्यों किया है, क्योंकि आपका जो निकाय है, आपका सिस्टम है, वो मूव कर रहा है ना टूवर्ड्स राइट, जिधर हमने बल लगाया है, यानी इसका मान ज़्यादा होगा तभी तो ये उधर खिसक रहा है। तो F माइनस T इज इक्वल टू आ जाएगा M2A, मास इंटू एक्सीलरेशन, डिमांड इंटू त्वरण। जो परिणामी बल लगता है वो किसके बराबर होता है, पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये न्यूटन की गति गतिविधि नियम है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो M2A और ये हो जाएगा F माइनस T, जो बल लग रहे हैं उनका परिणामी कितना होगा, इधर लगने वाला बल माइनस इधर लगने वाला बल, दोनों को माइनस कर दीजिए आप, तो F माइनस T इज इक्वल टू आ जाएगा M2A। तो यहाँ से मिल गया आपको एक समीकरण, ठीक है बच्चे। और अब हम चलते हैं M1 के लिए, तो ये हो गया आपका M1। अब देखते हैं कि भाई इस पर कौन कौन सा बल लग रहा है। तो बच्चे देखिए, इस पर तो केवल ये तनाव बल लग रहा है, इस पर केवल और केवल टेंशन लगेगा। अब ये मत सोचना कि इसका भार लगेगा, भार कहाँ लगेगा, भार नीचे क्यों लगता है, तो इसके भार को लगाना नहीं है, इस बल को भी नहीं लगाना है, क्योंकि इस भार को, इस बल को ये टेंशन यहाँ पर संतुलित कर लेगा, यानी कि लग रहा है केवल और केवल इस पर टेंशन। और यही टेंशन उसमें क्या उत्पन्न करेगा, यही तनाव उसमें त्वरण उत्पन्न करेगा, यानी T बराबर हो जाएगा M1A। अगर आप समीकरण बनाना सीख जाते हैं बच्चे तो भी कोई समस्या ही नहीं होना है, मैकेनिक्स के सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे। फिर देख लीजिए, M2 पे एक बल लग रहा है F दाएं दिशा में, और एक जो टेंशन है, जो तनाव है, वो लगेगा बाएं दिशा में। तो परिणामी बल कितना लगेगा, परिणामी बल होगा दोनों का अंतर, F माइनस T, जो कि डमान इंटू त्वरण के बराबर होगा M2A के। और यहाँ पे तो एक ही बल लग रहा है ना, परिणामी बल केवल और केवल तनाव लग रहा है, और यही तनाव यहाँ पे त्वरण उत्पन्न करेगा, तो T बराबर हो जाएगा M1A। दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, F बराबर M1A प्लस M2A। और यहाँ से मिल जाएगा आपको F बराबर M1 प्लस M2A। और यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि त्वरण कितना है, यहाँ से हम लोग त्वरण का मान ज्ञात कर पाएंगे बच्चे। तो त्वरण कितना आ जाएगा, A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2। ये निकल गया आपके सिस्टम का एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। और अगर आप चाहें तो तनाव ज्ञात कर सकते हैं, A का मान यहाँ रख दीजिए, आपको मिल जाएगा, क्लियर है। F माइनस T इज इक्वल टू M2A। अब अगर ऐसे समीकरण एक बार बना लेते हैं, उसके बाद जो ज्ञात करना है, जो फाइंड आउट करना है, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ें और बात करते हैं कुछ ऐसे की। यहाँ पे देखिए क्या है, शायद आपको देखने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी कि आखिर चल क्या रहा है। तो मैं आपको समझा दूँ कि एक ऐसा समतल है, एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्षैतिज सतह है। और यहाँ पे बात करिए कि बच्चे अभी हम घर्षण हमने पढ़ा नहीं है, तो हम बिल्कुल भी घर्षण को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अभी हम जिस भी प्लेन की बात कर रहे हैं वहाँ पे घर्षण नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, हम फ्रिक्शन लेस सरफेस की बात कर रहे हैं अभी।
जब हम लोग परीक्षण पढ़ेंगे तो यही सब प्रॉब्लम्स हमको परीक्षण के साथ भी मिलेंगी, तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक और बल आ जाया करेगा जो कि रहेगा घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमेशा मोशन के विपरीत दिशा में लगता है, हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो अगर आप इसको समझ जाओगे तो घर्षण वाले में कोई समस्या नहीं होना है, लेकिन अभी हम जिस भी सतह की बात कर रहे हैं, जिस भी सरफेस की बात कर रहे हैं, सभी फ्रिक्शन लेस है, यानी घर्षण रहित है, यहाँ कोई घर्षण नहीं है। तो ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्ट, पहला वस्तु, ठीक है, जिसका द्रव्यमान है m1, ठीक है। और इसके बाद आपके पास एक और वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2, इसके बाद आपके पास एक और वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m3। देखिए, मान कुछ भी हो सकता है, आंकिक मान सवाल में कुछ भी दिया जा सकता है, आपको तरीका मालूम होना चाहिए बस। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां पर हम एक बाह्य बल लगा रहे हैं F। तो ये पूरा का पूरा जो निकाय है, और आपके निकाय में तीन द्रव्यमान हैं, तीन मासेस हैं, M1, M2, M3, ये इधर दाईं ओर खिसकेगा। और अभी आपको फिर से पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, सबका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा ए, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, तो जितना भी मास है m1, m2, m3, इनका भी एक्सेलरेशन, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितना होगा, प्रत्येक का एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ट्रेन जिस त्वरण से बढ़ रही है आगे, उसमें बैठे यात्रीगण भी उसी त्वरण से आगे बढ़ रहे हैं, ये बस याद रखिए। तो चलिए, यहाँ पर क्या होगा, जब आप एफ बल लगाने वाले हैं, आपने लगा भी दिया है, आपने पूछा नहीं, आपने एफ बल लगा दिया, तो देखिए ये जो m1 द्रव्यमान की वस्तु है, m2 द्रव्यमान को ढकेलेगी, पुश करेगी। तो मान लीजिए कि ये जो m1 है वो इस पे बल लगा रहा है f1, समझिएगा, एक f1 का मान कुछ भी हो सकता है, वही तो हम याद करेंगे अभी। m1 m2 पे बल लगा रहा है f1, और अब यहाँ पे लगेगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अगर m1 m2 को ढकेल रहा है f1 से, तो m2 भी तो m1 को ढकेलेगा उतने ही बल से, लेकिन विपरीत दिशा में। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यही तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। तो m1 ने m2 को ढकेला f1 से, तो m2 ने भी जवाबी कार्रवाई की है, और वो भी उसको ढकेलेगा f1 से। यानी कि अब अगर मैं बात करता हूँ m1 की, अगर मैं m1 का मुक्त पिंड आरेख बना दूँ, ये लिया मैंने m1, तो m1 पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है इधर जो हमने लगाया है, और एक बल लग रहा है f1 विपरीत दिशा में ना। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, यार f1 को इधर ले लूँ, अगर आप f1 को इधर लोगे तो ये m1 पे तो ही लग रहा है, ये तो m2 पे लग रहा है, आपको तो बात करनी है कि भाई m1 पे कौन कौन सा बल लग रहा है। तो m1 को m2 तो विपरीत दिशा में ढकेलेगा, m1 ने ढकेला m2 को उस दिशा में, फिर न्यूटन के गति का तृतीय नियम आ गया, m2 ने m1 को ढकेला विपरीत दिशा में, यानी m1 पे जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद m1 ने m2 को ढकेल दिया, m2 ने जवाब भी दे दिया, अब m2 जो है m3 को ढकेलेगा। मान लीजिए ये इसको ढकेल रहा है f2 बल से, नाम आप कुछ भी ले सकते हो, आपके पसंद का जो भी लेटर है आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप हमेशा f1 f2 f3 जो भी लेना ले सकते हैं आप। तो F2 को ढकेला, यहाँ पे न्यूटन के गति का तृतीय नियम आ जाएगा, फिर M3 ढकेलेगा M2 को उठने ही परिणामी बल से, लो भाई वापस ले लो अपना, ठीक है। लेकिन अब M3 के आगे तो कुछ है नहीं, तो वो किसी पे क्रिया नहीं कर रहा, तो उसको प्रतिक्रिया भी नहीं मिलेगा। M2 ने M3 के ऊपर लगाया है F2 बल, तो फिर M3 ने भी M2 पे लगाया है F2 बल, लेकिन विपरीत दिशा में। तो पहले हम बात करेंगे M1 की, इसके मुक्त पिंड आरेख की बात करेंगे, यहाँ से कुछ समीकरण बनाएंगे, फिर M2 की बात करेंगे, वहां से कुछ समीकरण बनाएंगे, फिर M3 की बात करेंगे, फिर वहां से कुछ समीकरण बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करने वाले हैं हम लोग। तो M1 पे कुल कितने बल लगेंगे बच्चे, देखो पूरा निकाय जा रहा है दाएं दिशा में, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है। तो F माइनस F1 यही तो है नेट फोर्स, यही तो है परिणामी बल। हम M1 की बात करेंगे तो, जो कि कितना हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन।
जब आप इस पिंड की बात करोगे तो इसी के लिए लेना है। इस पिंड में नेट कितना बल लग रहा है बच्चे, एफ माइनस एफ वन, और न्यूटन की गड्डी का जो ड्यूटी नियम है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, डमान इंटू टोटल होना चाहिए, मास इंटू एक्सेशन होना चाहिए। ये मिल गया आपको एक समीकरण। और अब हम आ जाते हैं एम टू के लिए। बहुत ही आसान होता है चीज़ों को समझने के बाद, बस आप रटना चाहोगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। एम टू पे कौन कौन सा बल लग रहा है बच्चे, एम टू पे ये एक बल लगाया जा रहा है एम वन के द्वारा, इसका नाम हमने एफ वन रखा है, और ये एक बल लगाया जा रहा है एम थ्री के द्वारा जो कि इधर लगेगा। तो कुल कितना बल लग रहा है, एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम टू ए हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, डमांड इंटू त्वरण। तो ये एक समीकरण मिल गया आपको। और अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। अब आप ले लीजिए एम थ्री को। एम थ्री पे तो एक ही बल लग रहा है, वो है एफ टू, जो एम टू लगा रहा है एम थ्री पर, और उसकी दिशा कुछ यूं है, ये है एफ टू, और यही बल उसको क्या करेगा, ट्वीट करेगा। तो एफ टू किसके बराबर हो जाएगा, एम थ्री ए के बराबर हो जाएगा। तो इसको नाम दे दीजिए एक, इसको नाम दे दीजिए दो, इसको नाम दे दीजिए तीन। अब आपके पास तीन समीकरण है, तीनों को जोड़िए। तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलने वाला है देख लो। पहला है एफ माइनस एफ वन, और सेकंड क्या है बच्चे, सेकंड है एफ वन माइनस एफ टू प्लस एफ वन माइनस एफ टू, और थर्ड में तो बस एफ टू है। तो इधर क्या मिलेगा आपको, इधर मिल जाएगा एम वन ए, एम टू ए, एम थ्री ए। तो ये आ गया एम वन ए प्लस एम टू ए प्लस एम थ्री ए। तो यहाँ से क्या क्या कट रहा है देख लो, एफ वन एफ वन एफ टू एफ टू, यानी एफ का मान आपको मिल गया, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। और यहाँ से आप त्वरण ज्ञात कर सकते हो, ए बराबर एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपके निकाय का त्वरण कितना है, ए बराबर आ गया एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। और देखिए अब आप चाहें तो किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एफ वन का मान चाहिए कि भाई एफ वन कितना है या एफ टू कितना है, तो पहले अगर आपको एफ वन चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। आपके पास टोरन तो मालूम है ना आपको, टोरन आपने निकाल लिया है और डोमान सबका दिया ही होगा, तो इन दोनों को जोड़िए समीकरण दो और तीन को जोड़ने पर। समीकरण दो और तीन को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लूँ क्योंकि ये कहानी अब अलग जा रही है, इसको अलग कर लीजिए। दो और तीन को जोड़ेंगे आप तो आपको क्या मिलने वाला है, ये तो समीकरण एक का था, तो मिलेगा आपको एफ वन माइनस एफ टू प्लस एफ टू इज इक्वल टू एम टू ए प्लस एम थ्री ए। हमने क्या किया, दो प्लस तीन कर रहे हैं हम लोग, समीकरण दो प्लस तीन। तो यहाँ से क्या क्या कटेगा भाई, एफ टू एफ टू कैंसल, तो एफ वन का मान आ गया, एफ वन बराबर कितना, एफ वन बराबर ए एम टू प्लस एम थ्री। यहाँ से मिल गया आपको कि एफ वन का मान कितना है, और एफ टू का चाहिए तो एफ टू तो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा, एफ टू इक्वल टू एफ थ्री ए। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है चलिए आगे बढ़ें। और आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, ये भी सेम ही है, सेम टू सेम कंडीशन है, तो इसको तो आप स्वयं से कर सकते हैं, लेकिन फिर एक बार समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रहा एक पहले द्रव्यमान की वस्तु जिसका नाम, जिसका मास है, जिसका द्रव्यमान है एम वन, और इसका द्रव्यमान है एम टू, ठीक है। सब चीज़ें वैसे ही है, सेम टू सेम है, आप इसको स्वयं से कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दो मिनट, और दो मिनट में तो आप इसको बना ही लेंगे, और फिर अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए आपको वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। अभी आपने इसको किया है, वहाँ पे बस तीन द्रव्यमान था, यहाँ दो द्रव्यमान है, कैसे होगा बच्चे देखो। आप हर एक पिंड को लीजिए और उसका मुक्त पिंड आरेख बनाइए। ये रहा एफ वन, एफ वन नहीं, जिसका मास एम वन है बच्चे, इसका मास हो गया एम वन, और ये मैंने ले लिया एम टू। कौन कौन सा बल लग रहा है बताओ,
ये बल आपने लगा दिया ऐप, ऐप को आप ढकेलोगे, फिर ये जो M1 है M2 को ढकेलेगा, फिर M2 विपरीत एक बल लगाएगा। तो चलो इसको आपने नाम दे दिया F1 का। निकाय मान लीजिए इधर जा रहा है तो ये भी टूट ही जाएगा, दोनों का त्वरण समान होगा। तो यहाँ पे कुल बल हो जाएगा F माइनस F1 बराबर M1 A, ये पहला समीकरण बन गया। और अब इसके लिए बनाइए, तो इस पर तो एक ही बल लग रहा है ना, बस कौन सा F1, तो यहाँ से F1 बराबर आ जाएगा M2 A। फिर आप दोनों को जोड़िए, आपको मिल जाएगा F माइनस F1 प्लस F1 इज इक्वल टू M1 A प्लस M2 A। क्या क्या कट रहा है भाई देख लो, F1 कैंसल, F इज इक्वल टू A M1 प्लस M2, और यहाँ से भी आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2। तो ये सेम टू सेम है, जैसा अभी आपने पीछे किया था वैसा यहाँ भी करना था, तो कोई कठिनाई नहीं होने वाली है आपको। चलिए आगे देखते हैं और इसको देखते हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम देखिए बहुत आपके काम आने वाले हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे वहाँ पे ये जो डोरी से जुड़े हुए वस्तुओं की गति है, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, वो एग्जाम में आता ही है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको सभी पहलुओं को समझना जरूरी हो जाता है, सभी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप चीज़ें बस याद करके जाएंगे, अगर आप एक दो कंडीशन के बाद फॉर्मूले याद कर लेंगे, तो बच्चे याद रखिए हालात हमेशा एक जैसा नहीं होता, क्वेश्चन को कैसा भी घुमाया जा सकता है, सवाल को कैसा भी तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझ लेना है, ताकि वक्त आने पर आप खुद से उसको सॉल्व कर पाएं। याद करने के भरोसे कोई भी एग्जाम आप नहीं निकाल सकते, समझना होगा चीज़ों को। और ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चे क्या है, आपके पास M1, M2 और M3 द्रव्यमान की तीन वस्तुएं हैं, M1, M2, M3, और आपने M1 और M2 को जोड़ दिया है डोरी से एक स्ट्रिंग से, आपने M2 को M3 से जोड़ दिया है एक स्ट्रिंग से। और याद रखिएगा किन्हीं भी दो द्रव्यमानों का, किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच का जो डोरी है उसमें जो टेंशन होगा वो अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग द्रव्यमान तो अलग अलग टेंशन। हाँ वो अलग बात है, हो सकता है स्पेशल केस हो कि सबका द्रव्यमान समान है, तो हो सकता है कि सबका, सबके बीच में जो डोरी है सबका तनाव यानी सबका टेंशन सेम हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, वो तो स्पेशल केस हो गया। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि M1, M2, M3 तीन द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, तीनों को जोड़ा गया है डोरी से, डोरी से, और M1 और M2 के बीच में जो डोरी है जो स्ट्रिंग है वहां पे मान लीजिए टेंशन T1 है, इन दोनों के बीच जो चल रहा है वो T1 है, और इन दोनों के बीच में जो चल रहा है वो T2 है। अब क्या चल रहा है मत पूछना, दो लोगों के बीच में क्या चल सकता है, कल्पना मत करिए आप, क्योंकि कल्पनाएं हमेशा गंदी बातों की आती है। तो चलिए M1, M2, M3, और हम खींच रहे हैं बच्चे, आप खींचोगे तभी तो, अगर जब तक बाहर से बल नहीं लगाओगे तब तो जैसा है वैसा ही रहेगा। आप बाहर से बल लगा रहे हैं, आप M1 को पकड़ के खींच रहे हैं F बल लगाकर, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए बताइए भाई त्वरण कितना है, बताइए यहाँ का तनाव कितना है, बताइए यहाँ का तनाव कितना है। तो आपको घबराना नहीं है, जितना आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं आपको उन्हीं को पकड़ के बस आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, हम सभी पिंडों को लेंगे और सभी पिंडों के लिए हम बनाएंगे मुक्त पिंड आरेख यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। चलो स्टार्ट करते हैं M1 से। तो पहले मैं ले रहा हूँ M1 को, और अब इसकी इतनी जरूरत तो है नहीं, छोटा कर लीजिए इसको, ठीक है जाने दो। पहले बात करेंगे हम M1 की, तो ये रहा आपका M1, M1, और एक बल जो आपने लगाया है बाहर से ये आपने लगा दिया इधर की ओर, अच्छा दिख नहीं रहा है ये, तो ये दिखेगा, ये लगा दिया आपने F बल, ये जो पीछे वाला M2 है जो खींच रहा है ना बच्चे, टेंशन होगा तो जो खींच रहा है पीछे की ओर, तो टेंशन इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा T1। और मान लीजिए कि ये पूरे इस निकाय का त्वरण कितना है, निकाय का त्वरण A है, तो सभी द्रव्यमानों का त्वरण भी उतना ही होगा M1, M2, M3 के लिए भी। तो ये पूरा जो आपका पिंड है A त्वरण से इधर खिसक रहा है। चलिए समीकरण बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा F माइनस
इज इक्वल टू एम वन ए, इज नॉट कोई डाउट है ना बच्चे। ये है कुल बल जो लग रहा है, लेकिन न्यूटन के गति के रिवटी नियम से क्या होना चाहिए, दमान और त्वरण का गुणनफल होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। इसको आपने जो भी नंबर देना दे देना है। अब बात करेंगे M2 की। चलो अब बात करते हैं M2 के लिए। तो ये हो गया M2। देखिए टेंशन जो T1 है उधर की ओर लग रहा है, जो खींच रहा है, तो T1 इधर लग रहा है, लेकिन T2 पीछे की ओर लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा इधर की ओर। T2 याद रखिएगा, जब आप M1 को खींचेंगे इधर की ओर, तो ये जो पीछे वाला द्रव्यमान है उसको पीछे की ओर खींच रहा है, जिससे कि यहाँ पर T1 टेंशन होगा और T1 उसको पीछे की ओर खींचेगा। लेकिन जब आप बात करेंगे M2 की, तो M2 में जो ये M2 दो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, दो डोरियों से जुड़ा हुआ है, इधर वाला और इधर वाला, तो इधर वाला जो T1 है आप उसको डायरेक्शन इधर मान ले लेना। अरे भाई M2 के लिए तो उधर है ना, M2 के लिए जो T1 का डायरेक्शन होगा उधर होगा, और M2 के लिए T2 का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया T2 और ये हो गया T1। तो यहाँ पे हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम टू ए आ जाएगा। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम टू ए, क्योंकि ये भी तो खिसक रहा है एक त्वरण से, सभी पिंडों का त्वरण उतना ही होता है जितना कि पूरे निकाय का है। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम टू ए आ गया, और बच गया हमारे पास बस एक लास्ट पिंड M3। इस पर कितना बल लग रहा है बताइए जरा, सोचिए, मौन हो जाइए और जवाब दीजिए। मेरे सामने मेरा एक बालक बैठा हुआ है, तो मैं उससे पूछना चाहूँगा कि इस M3 पे कितना बल लग रहा है। ओनली T2, बहुत ही ब्राइट बच्चा है ये, लेकिन फ्यूचर का पता नहीं लेकिन बहुत ही ब्राइट है। T2 लगेगा, देखिए यहाँ पर बस एक बल लग रहा है T2, और यही T2 वहाँ पे क्या उत्पन्न करेगा, त्वरण उत्पन्न करेगा, यानी कि T2 किसके बराबर हो जाएगा, एम थ्री ए के बराबर हो जाएगा। और अब देखिए बच्चे, आपके पास पहला समीकरण ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, और तीसरा ये मिल गया, और आप इन तीनों को जोड़ के घटा के कुछ भी करके त्वरण का मान ला सकते हैं, टी टू का मान ला सकते हैं, टी वन का मान ला सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है समीकरण बनाना, क्योंकि वहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बाकी जोड़ना घटाना ये तो सिंपल मैथमेटिक्स जो आपने सेवन्थ एट्थ में पढ़ा है उससे काम चल जाएगा। चलिए फिर भी अगर हमको त्वरण निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे आपको त्वरण मिल जाएगा। अगर आपको T1 चाहिए होगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, और T2 यहीं से आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि नहीं है कि मुझे करके दिखाना पड़ेगा, आप कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, और ये है हमारा आज का एक लास्ट एक स्पेशल केस। देखिए अभी ये जो एक नट समतल है, इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों साइड से इंक्लाइंड है, ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फ्रिक्शन वाले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले एक बार सॉल्व कर लेंगे जिससे कि हमको आगे चल के कोई कठिनाई ना हो। तो चलो बच्चे समझिए कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा समतल ऐसा है, मतलब एक समतल ऐसा है, देख लो, चलिए इसको ऐसा बना दिया मैं, तो एक समतल ऐसा हो गया जो कि कितने डिग्री पे झुका है बच्चे, तो यहाँ का एंगल अल्फा है, ये जो एंगल है, और दिस एंगल इज अल्फा, ओके, और यहीं से एक दूसरा प्लेन भी है इधर की ओर है, ठीक है, और ये चलिए मान लेते हैं कि बीटा कोण से झुका हुआ है। देखिए कोण कुछ भी हो सकता है, तो आपको ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, ये बीटा कोण से झुका हुआ है, ये अल्फा और ये बीटा, और यहाँ पे लगा हुआ है पुल्ली ऐसा करके, और इस पुल्ली से होकर जा रहा है डोरी, डोरी यानी कि स्ट्रिंग, तो इधर आ गया और इधर आ गया, और इससे लगे हुए हैं आपके द्रव्यमान। और यहाँ पे भी हम अभी घर्षण की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, घर्षण आ जाएगा इसके अगले सेक्शन में जब हम घर्षण पढ़ेंगे, तो अभी हम घर्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका द्रव्यमान दिया गया भाई कि ये M1 द्रव्यमान का है, ये M2 द्रव्यमान का है, ठीक है। और अब देखो M1 और M2 के बीच में कोई और द्रव्यमान नहीं है, यानी कि ये जो तनाव इधर है उतना ही तनाव इधर भी उत्पन्न होगा। जब तक डोरी के बीच में कोई अन्य द्रव्यमान नहीं आ जाता, टेंशन उतना ही बना रहता है। ये नहीं कि यार यहाँ तो मुड़ गया होगा तो टेंशन चेंज हो गया, नहीं,
टेंशन यहां से लेकर यहां तक पूरा सेम ही रहेगा। जब तक बीच में कोई अंडरमान नहीं आ जाएगा, डोरी का टेंशन समान ही बना रहता है। तो यहां से यहां के तनाव समान ही है। और अब देखिए कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, ये तो निर्भर करता है दो चीजों पे। पहला, किसका दबान ज्यादा है, किसका दबान कम है, हम अभी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि तो यहां पे आंकिक मान नहीं है। अभी हम बता नहीं पा रहे हैं कि कौन नीचे आ रहा है या कौन ऊपर जा रहा है। हो सकता है ये नीचे आ रहा हो तो ये ऊपर जा रहा होगा, या ये भी हो सकता है कि ये नीचे आ रहा हो तो ये ऊपर जा रहा होगा। निर्भर करेगा कि किसका दबान ज्यादा है, साथ में इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अल्फा बीटा का मान कितना है। भाई मान लीजिए इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो ज्यादा स्लोप वाला नीचे जाएगा। लेकिन दबान दो फैक्टर है बच्चे, केवल एक बात नहीं है, केवल एक बात से डिसाइड नहीं होगा कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। निर्भर करेगा दबानों पर भी और साथ में इन दोनों के कोणों पर भी कि कौन सा समतल कितने कोण पर झुका हुआ है, अल्फा और बीटा के मान पर भी। तो अभी हम इस लफड़े में नहीं फंसने वाले हैं कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, अभी बस हमको समीकरण बनाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे आपको समीकरण बनाना है। तो देख लीजिए अल्फा है या बीटा है, ये एम वन है या एम टू, सॉरी ये एम वन है या एम टू है, टेंशन टेंशन टी है। अब हम सभी के लिए मतलब दोनों डोमेनों के लिए अलग अलग मुक्त पिंड आरेख बनाएंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने तो सीखना है हमको, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अलग अलग। पहले हमने ले लिया एम वन को, ये रहा एम वन, ठीक है। और इसका झुकाव कितना है बच्चे, इसका झुकाव है यहाँ से अल्फा, ठीक है। और द्रव्यमान देख लीजिए क्या है, ये हो जाएगा द्रव्यमान। वह बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने घर्षण नहीं लिया है, हम घर्षण अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम घर्षण रही समतलों की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका द्रव्यमान एम वन है, तो यहाँ पर इसका भार तो हमेशा किधर लगेगा बच्चे, भार लगेगा हमेशा नीचे की ओर, तो इसका भार हो जाएगा एम वन जी। भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है भार, ठीक है। तो एम वन जी नीचे की ओर लगेगा। और अब देखो ये समतल पे रखा हुआ है, यानी इसका भार इस समतल पे लग रहा है, तो एक अभिलंब प्रतिक्रिया भी तो लगेगा, जिसको हमने नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन का। अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा समतल के अभिलंबवत लगता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, अगर मैं आपके ऊपर बल लगाऊंगा तो आप मेरे ऊपर बल लगाओगे। तो ये पिंड इस समतल पे अपना भार लगा रहा है, तो समतल भी क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, जिसे हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं नॉर्मल रिएक्शन का, जो कि हमेशा समतल के लंबवत लगता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर नहीं, हमेशा समतल के लंबवत। समतल ऐसा है तो उसके लंबवत ऐसा लगेगा, अगर समतल ऐसा होता तो अभिलंबवत ऐसा लगता, अगर समतल ऐसा है तो अभिलंबवत ऐसा लगेगा, तो सेकंड केस में आपको देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा, अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा अभिलंबवत काम करती है, ये हो जाएगा आर वन। और अब देखो बच्चे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, आपको इस भार के दो घटक मिलेंगे। देखो ये अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा ही होता है, ये अगर अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा ही होगा। और उस स्थिति में आप क्या करोगे, फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। तो इधर को हम ले लेंगे M1G cos अल्फा, जहाँ से एंगल बनता है वो cos कंपोनेंट होता है, वो cos घटक है, और उसके अभिलंबवत वाला sin घटक है M1G sin अल्फा। तो ये जो M1 द्रव्यमान की वस्तु है, अच्छा एक चीज़ तो मिस कर दिया, टेंशन इधर लग रहा है बच्चे, टेंशन T। तो देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी कि ये जो आपका समतल है, जो प्लेन है, उसकी अभिलंबवत एक ऊपर की ओर लग रहा है, जिसको आपने नाम दिया अभिलंब प्रतिक्रिया, यहाँ पे आपने आर वन लिया है, और नीचे लग रहा है एम वन जी कॉस अल्फा। देखिए एम वन जी अब पीछे से हट गया, एम वन जी के आपने दो घटक प्राप्त कर लिए हैं, एम वन जी को आपने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है, एक एम वन जी कॉस अल्फा और एक एम वन जी साइन अल्फा। तो अब ये मत बोलना कि एम वन जी साइन अल्फा भी है, एम वन जी भी है और एम वन जी कॉस अल्फा भी है, नहीं, अब बस एम वन जी कॉस अल्फा है और एम वन जी साइन अल्फा है। एम वन जी कॉस अल्फा ये समतल के लंबवत नीचे की ओर है, ये है इसकी दिशा, और एम वन जी साइन अल्फा ये समतल के समानांतर है नीचे की ओर, और ये जो आर वन है ये समतल के अभिलंबवत है ऊपर की ओर। तो ये अच्छा टेंशन तो इधर है, टेंशन तो रस्सी के में लगेगा ही लगेगा,
तो ये है M1 पे लगने वाले बल, ये M1 पिंड है और यही काम हम करेंगे किसके लिए, M2 के लिए। तो देखते हैं M2 के लिए कैसे करना है। तो ये ऐसा कुछ है और इसका जो झुकाव है बच्चे के झुकाव, इस झुकाव को आप ले सकते हो बीटा दिया है, तो बीटा इसका आंकिक मान कुछ भी हो सकता है ना। अब हमेशा अल्फा बीटा ऐसा रट के मत चले जाना, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा का मान कुछ भी हो सकता है। और अब यहाँ पर है M2 द्रव्यमान, ये है M2 द्रव्यमान, तो बच्चे भार किधर लगेगा, भार लगेगा नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, M2G। इसमें तो समस्या नहीं होगा, M2G नीचे की ओर है। और अभिलंब प्रतिक्रिया कैसे लगेगा बच्चे, अभिलंब प्रतिक्रिया लगता है यानी नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऊपर की ओर, समतल के लंबवत लगेगा हमेशा। टेंशन किधर लग रहा है, टेंशन लग रहा है इधर की ओर। और अब देखिए जो M2G है इसके दो घटक हमको मिलेंगे, एक मिलेगा इधर, अच्छा इसे कलर चेंज कर लेता हूँ, गुलाबी ले लेता हूँ, बहुत टाइम हो गया गुलाबी रंग से मैं खेला नहीं हूँ, इधर और इधर। तो आप देख लीजिए इस M2 के दो घटक में, M2G के दो घटक मिल जाएंगे। अच्छा ये बीटा तो क्या ये भी बीटा होगा, बिल्कुल होगा ये भी बीटा होगा, ये बीटा तो ये भी बीटा होगा, तो जो बीटा के साथ है वो M2G cos बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा M2G sin बीटा। ठीक है बच्चे, तो R2 किसके बराबर होगा, R2 बराबर होगा M2G के, क्योंकि पिंड ऊपर नीचे जाने, सॉरी M2G नहीं, R2 बराबर होगा M2G cos बीटा के, क्योंकि पिंड ऊपर नीचे मूव करेगा नहीं, समतल में रहेगा, यानी जितना बल इस समतल के ऊपर लग रहा है उतना ही बल समतल के नीचे की ओर भी लग रहा है। और अब हो सकता है पिंड नीचे की ओर आ रहा हो, अगर पिंड नीचे की ओर आ रहा है, अगर ये पिंड नीचे की ओर आ रहा है यानी कि आप करेंगे M2G sin बीटा माइनस टी इक्वल टू M2A, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, हो सकता है ये ऊपर क्यों जा रहा हो, अगर ये नीचे आ रहा है तो फिर तो आप ऐसा करेंगे, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे टी माइनस, क्योंकि टेंशन बड़ा हो जाएगा, टी माइनस M2G sin बीटा इक्वल टू M2A करेंगे। और वही चीज जहां भी है, अगर वो नीचे जा रहा है मतलब ये ऊपर जा रहा होगा, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या करने वाले हैं आप करने वाले हैं टी माइनस M1G साइन अल्फा इज इक्वल टू M1A। दोनों का टोलरेंस समान होगा क्योंकि दोनों एक ही निकाय हैं। जैसे कि ट्रेन में बहुत सारे यात्री होते हैं, अलग अलग बोगी में भी होंगे, तो क्या हुआ, दोनों का टोलरेंस समान होगा क्योंकि दोनों एक डोरी से जुड़े हुए हैं। अगर ये नीचे आ रहा होता तो आप क्या करते, M1G साइन अल्फा माइनस टी करते और उसके बराबर कर लेते M1A के। याद रखिएगा यहाँ पे R1 किसके बराबर होगा बच्चे, R1 बराबर होगा M1G cos अल्फा के। आप यहाँ पर बलों को संतुलित कर रहे हैं, एक बार समतल के समानांतर यानी कि प्लेन के पैरेलल और एक बार प्लेन के परपेंडिकुलर, और वही काम यहाँ भी कर रहे हैं आप बलों को संतुलित कर रहे हैं प्लेन के लंबवत और प्लेन के समानांतर। क्लियर है बच्चे, तो ये था आज का सेशन जिसमें आपने डोरी से जुड़े हुए वस्तुओं के विभिन्न विभिन्न स्थितियों पे चर्चा की है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए अलविदा।